नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी और न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए कल हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कल यानी सोमवार से हरियाणा सरकार ने दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जब लोगों को नाइट कर्फ्यू की सूचना मिली तो उसके बाद से ही लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर जो नाइट कर्फ्यू है वो कब से शुरू होगा, किस तरह का प्रारूप नाइट कर्फ्यू का रहेगा, किन किन चीज़ों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, किन चीज़ों में छूट रहेगी, या किन सेवाओं से जुड़े हुए लोग जो है वो नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर निकल सकते हैं। तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो लोगों के मन में उठ रही थी जैसे ही उन्हें इस नाइट कर्फ्यू की सूचना कल शाम से मिली थी। तो इसीलिए मैं हाजिर हूँ और मैं आपको एक एक करके जो है पूरा प्रारूप समझाऊंगा, पूरी जो बात है वो नाइट कर्फ्यू के बारे में करेंगे। सबसे पहले बात कर लेती है कि नाइट कर्फ्यू लागू कब से हुआ है, यानी कल देखिए शाम, कल सोमवार को शाम को इसकी सूचना जो है वो जारी की गई थी, तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। इसका मतलब है कि जिस वक्त सूचना जो है वो जारी की गई है तभी से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। और कुछ लोगों का सवाल था कि हम अगर ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो क्या ग्रामीण इलाके में भी नाइट कर्फ्यू लागू होगा या नहीं होगा। तो उन्हें बता दें कि प्रदेश के अगर आप किसी भी इलाके में रहते हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे वो शहरी इलाका हो, हर जगह रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ जैसे हमने कोरोना का जब लॉकडाउन हुआ था, प्रदेश में लॉकडाउन हुआ था, देश में लॉकडाउन हुआ था, तब हमने देखा था कि कुछ जो सेवाएं थी उन्हें छूट दी गई थी। तो इसी तरीके से इस नाइट कर्फ्यू में भी हरियाणा में कुछ एक सेवाएं हैं जिनको लेकर छूट है, जिन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। उनमें सबसे पहले आती है स्वास्थ्य सेवा, यानी अगर रात के वक्त कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है या कोई बुजुर्ग किसी गर्भवती महिला को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जो है बेचिंत आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। बकायदा आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स हो, कोई आपकी जो डॉक्टर की स्लिप है वो आपके पास दिखाने के लिए हो, ताकि अगर बीच में पूछताछ के लिए पुलिस आपको रोकती है तो वहाँ आपका टाइम जो है वो ख़राब ना हो। इसके साथ आपको बता दूं कि अगर आप रात में यात्रा कर रही हैं, अगर आपको रात को यात्रा करनी है, बस से आपको यात्रा करनी है, रेलवे स्टेशन जाना है या एयरपोर्ट जाना है, तो उस पर भी कोई पाबंदी सरकार की तरफ से नहीं लगाई गई है। यानी आप जो है अपने स्टेशन तक या बस स्टैंड तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आपके पास आपका पहचान पत्र, उसके साथ में आपका जो टिकट है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप एक प्रूफ के तौर पर पुलिस को दिखा सके। क्योंकि देखिए लॉकडाउन में भी हमने देखा था कि बीच बीच में जो है पुलिस के नाके, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो उसके लिए जो पुलिस है वो मुस्तैद रहेगी कि लोग जो है इसका उल्लंघन ना करें, तो बीच में पूछताछ होना आपसे लाजमी है। तो इसलिए आपके पास आपका जो प्रूफ हो वो दिखाने के लिए हो। इसके साथ आपको बता दूं कि कुछ एक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं जिनके ऊपर इस नाइट कर्फ्यू में कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है, जैसे पुलिस के लोग, क्योंकि जिन्हें इसका पालन करवाना है उनके ऊपर ऑफकोर्स कोई पाबंदी नहीं होगी। सेना के लोग, नगर निकाय से जुड़े हुए लोग, मेडिकल सेवाओं से जुड़े हुए लोग, पत्रकार, या फिर आप कह लीजिए बिजली विभाग के लोग, तो जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज होती हैं उनसे अगर आप जो है जुड़े हुए हैं, उनमें आप काम करते हैं, तो आपके ऊपर कोई तरीके की किसी भी तरीके की आपकी जो पाबंदी है वो नहीं रहेगी। बाकायदा आपके पास आपका पहचान पत्र जरूर होना चाहिए, यानी अगर आप किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट से में आप जॉब करते हैं जो इसेंशियल सर्विसेज के अंडर आता है, तो आपके पास आप बाहर जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपके पास आपका पहचान पत्र होना जरूरी जो है वो बताया गया है। इसके साथ कुछ लोगों का प्रश्न ये भी था कि अगर हम नाइट शिफ्ट में काम करते हैं किसी कॉल सेंटर में, या कह लीजिए किसी एमएनसी में हम लोग काम करते हैं जहां रात की शिफ्ट करनी होती है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आप नाइट शिफ्ट कर सकते हैं, तो अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं, रात को आप काम के लिए जाते हैं, तो उसमें आपको 9 बजे से पहले ऑफिस पहुंचना होगा और सुबह 5 बजे से पहले आप ऑफिस से नहीं निकल सकते, यानी इसके ऊपर भी पाबंदी है। अगर आप नाइट शिफ्ट का बहाना आप लगाते हैं पुलिस के सामने, तो वो सुना नहीं जाएगा और आपकी तरफ से जो कोरोना कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू जो है, उसका उल्लंघन माना जाएगा। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो नाइट कर्फ्यू है, अगर आप इसका जो है उल्लंघन आप करते हैं, तो इसकी सज़ा आपको क्या हो सकती है। क्योंकि देखिए मास्क अगर आप नहीं पहनते तो उसके लिए 500 रुपये जुर्माना, जैसे आपको पता है। तो आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद 1,000, 500 या 2,000 तक जुर्माना है वो इसके लिए रखा गया होगा, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपको 1 से लेकर 2 साल तक की जो सज़ा है वो हो सकती है। यानी नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। इसी के साथ अगर आप नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं, तो आईपीसी की धारा 188 के तहत आपको 6 माह की सज़ा भी हो सकती है। तो इसीलिए कंचन टीवी आपसे अपील करता है कि आप
जो है इस नाइट कर्फ्यू का पूरे तरीके से आप पालन कीजिए। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप अपने घर में ही रहिए। अगर कोई एसेंशियल सर्विस आती है, तो कोई भी इमरजेंसी आती है, तो उसके लिए बाहर जा सकते हैं, उसके लिए बाकायदा सरकार ने भी छूट दी है, लेकिन बिना किसी वजह के, बिना किसी ठोस वजह के आप घर से बाहर ना निकले। इसके साथ हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हरियाणा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों तक ये पहुंच सके, ताकि लोगों को जो है इसका पूरा जो प्रारूप है, नाइट कर्फ्यू का जो प्रारूप है, वो समझ में आ सके और लोग उनके हाथ से कोई गलती ना हो, यानी वो इसे मतलब कह लीजिए कि वो इसे ढीले में ना लें, कि अगर वो सोचे कि चलिए ठीक है नाइट कर्फ्यू ही तो है, अगर बाहर निकल गए तो कोई बहुत बड़ी बात है, तो उन्हें पता चल जाए कि अगर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन वो लोग करते हैं तो उन पर बहुत बड़ी सज़ा, यानी 1 से 2 साल की सज़ा उन्हें हो सकती है। तो इसीलिए कंचन टीवी आपसे अपील करता है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। इसके साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप भी कृपया इस नाइट कर्फ्यू का पालन करें, उसी के साथ आप मास्क जरूर पहने। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर अगर ज़रूरत नहीं है तो ना जाएं, अगर इमरजेंसी है तभी आप जाएं, उसके साथ में 2 गज़ दूरी का ध्यान आप रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।